व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। ठीक है, तो हमको लगता है आप लोग सभी को मालूम पड़ेगा कि ये गेम अब फाइनली जाके इसको शट डाउन किया जा रहा है। क्या ये एक अच्छा खबर है? नहीं। क्या इससे हम दुखी हैं? हाँ। क्या इससे बहुत लोगों को दुख होने वाला है? हाँ, मगर सच यही है। ठीक है, हमको पता है काफ़ी दिन से इसके ऊपर वीडियो नहीं बना था, इसका ये मतलब नहीं हमको ये गेम नहीं पसंद है। ठीक, तो हाँ फाइनली ये गेम को ख़त्म किया जा रहा है और हमको अच्छा नहीं लग रहा है फ्रैंकली बोले तो। ठीक है, हम यूजुअली फेस कैम वीडियोज़ भी नहीं बनाते हैं, मगर इट्स अ स्पेशल ओकेजन, नॉट इन अ गुड वे। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम लोग पास कुछ अपडेट्स भी आए हुए हैं, हम लोग उनको भी देखेंगे, मगर पहले थोड़ा यहाँ पे हम लोग को लुक बैक इन माई रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है। तो हाँ, इससे काफ़ी नॉस्टैल्जिक हम लोग फील करने वाले हैं। आप लोग सभी को ये आइकन यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग इसको टाइप इन कर लेते हैं और मतलब भाई क्या बोले, हमको समझ में नहीं आ रहा हमको कैसा फील करना चाहिए। ठीक है, हमको पता था इवेंचुअली ये होने वाला है, मगर हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। ठीक है, तो देखो अभी तक हम टोटल लेवल ऑफ फाइटर्स में 28,747 चल रहा है, टोटल सीपी 31 मिलियन का चल रहा है। पहला अवेकेंट कैरेक्टर किजालित था मेरा, हमको अभी भी याद है, और मेरा पहला कैरेक्टर जो लेवल 90 रीच किया था वो था टेरी बोगार्ड, और हाँ वो 97 टेरी था। हाँ, और यहाँ पे टोटल रूबीज 1.5 मिलियन ज़्यादा रुपीज़ खर्च किए हुए हैं, ये हमको भी नहीं पता था। ठीक है, और फिर यहाँ पे एपी बहुत ज़्यादा खर्च किए हुए हैं, ऑटो क्लियर टिकट्स काफ़ी किए हुए हैं, फास्टेस्ट टाइम अटैक रिकॉर्ड 86 सेकंड का है। ये किसका है भाई, कहाँ पे 86 सेकंड है? यहाँ पे असल में वो नहीं बताया हुआ है कि हम लोग का रूगल वाले का बात हो रहा है या फिर गोइनेट्स वाला बात हो रहा है और या फिर वेटरन का बात हो रहा है, मतलब वैसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, बस 86 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टावर ऑफ ट्रायल सबसे ज़्यादा खेले हैं। ठीक है, हाईएस्ट एब्सोल्यूट वॉर में जो रैंक हमको मिला है 956। अच्छा, आप लोगों को बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या क्या स्टैट्स दिखा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हम लीग मैच में मेरे को रैंक 4 हम एक बार रीच किए थे। हाँ, कोफास अच्छा खेलते थे भाई। ठीक, और ड्रीम मैच में 635 टाइम्स जीते हुए हैं। समन्स में टोटल फाइटर समन्स हम किए 19,000 की, 20,000 से अच्छा लगता है हमको देख के। उसके बाद बैटल कार्ड समन्स भी बहुत कम ही किए फाइटर कम, क्योंकि फाइटर में ही ज़्यादा मज़ा आता हम लोग को। और उसके बाद यहाँ पे मेरा पहला फेस कैरेक्टर ओरोची इओरी, जिसको लेके हम बहुत ज़्यादा खेले हैं। ठीक है, और ये भी देखो हम लोग का प्रोबेबली आखिरी नया कैरेक्टर फाइटर जो इस गेम को ज्वाइन कर रहा है वो भी ओरोची इओरी है, बस वो अल्टीमेट ओरोची इओरी है। हम लोग उसको चेकआउट करेंगे, उसके यहाँ पे आप लोगों को बाकी स्टैट्स आप लोगों को दिखाई देंगे। तो हाँ, आप लोगों को नीचे कमेंट्स बताना कि आप लोगों को वहाँ पे क्या स्टैट्स दिखाए जा रहे हैं, मगर हम लोग पास इस अपडेट में काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। ठीक है, हम लोग उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पास एजी चैलेंज आया हुआ है नया वाला, तो आप लोग चाहो तो खेल लो, हम तो हमको अब कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो हम उसको चेकआउट भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, 126 डेज़ के लिए हम लोग पास इवेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, सारे इवेंट्स आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम लोग आप लोग ऐसे देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग पास असॉर्टमेंट ऑफ मिनी गेम्स है, तो यहाँ मिनी गेम्स ढेर सारे करके हैं, तो आप लोग चाहो तो इन सभी को खेल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेकिंग राइस केक चैलेंज, हम लोग इसको खेल सकते हैं, ये हमको मज़ा आता था खेलने में। ठीक है, तो एक सेकेंड इसको ऊपर कर देते क्योंकि यहाँ कंट्रोल यहाँ नीचे तरफ रखा, जहाँ मेरा भी वीडियो आ रहा है। ठीक है, चलो एक मैच इसको एक खेल लेते हैं, देखते हैं अभी हम कितना अच्छा खेल पाते हैं। लोड हो जा भाई, हो जा, यस हो गया। हाँ, तो ग्रेट, बड़ा ये बहुत पहले हम लोग खेलते थे, याद है? ओके, 24,000 इसको रीच किए हुए, कितना चाहिए था एक बार देख लेते हैं। पंद्रह, हम कितना बनाए?
पता नहीं, छोड़ जो भी है जो भी है। तो हाँ, अगर आप लोग ये सभी गेम्स वापस खेलने हैं तो आप लोग इन सभी मिनी गेम्स को खेल सकते हो, क्योंकि हाँ ये थोड़ा फ्रेश भी लगता है और काफ़ी 90s के बच्चों को काफ़ी नॉस्टैल्जिक लगे, क्योंकि हम लोग ये सब, हम लोग पुराने कॉन्सोल्स, हम PS, PlayStation, Xbox की बात नहीं कर रहे हैं, जो पुराने कॉन्सोल्स आते थे जैसे किसका था, एक टू विक्टर्स, नहीं 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 एक टू विक्टर करके एक आता था, आप लोगों को याद होगा, उसमें लोग मारियो खेल पाते थे, फिर टोबाशी का कुछ था, वो याद नहीं आ रहा है, नहीं टोशिबा नहीं, अलग चीज़ है वो, याद नहीं आ रहा कोई एग्जैक्टली नाम उसका, मगर हाँ उसमें लोग ग्रीन कलर कैसेट घुसा घुसा खेलते थे। नए बच्चों को भी नहीं मालूम होगा, ठीक है, आप लोग एटलीस्ट 20 ईयर्स के तो हो गए तभी आप लोगों को ध्यान में आ गया ये सब चीज़, ठीक है, इससे कम वालों को शायद पता भी नहीं होगा सब कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो हाँ उसका थोड़ा याद दिलाता हम लोग को, और उसके बाद एक बार हम लोग फोरम में देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग पास काफ़ी अपडेट आया है। अच्छा हाँ, हम लोग पास ओरोची इओरी आया है, जो कि हमको लगता है एक हद तक थोड़ा ठीक भी है, मगर उसके साथ जो कैरेक्टर आई हुई है ये, इसको कौन बुलाया था, गेम अब खत्म हो रहा है, इसको बुलाया क्या मतलब था, हाँ ओरोची इओरी आया है, चलो हम लोग को अल्टीमेट ओरोची मिल जाता, अरे हाँ बे अल्टीमेट ओरोची हो तो मज़ा नहीं आता, मतलब गेम का फाइनल बॉस आके गेम को ख़त्म कर रहा है, मगर हम अभी नहीं चाहते गेम ख़त्म हो, क्योंकि हम फ्रैंकली बोले तो ये बेस्ट फाइटिंग गेम है जो अभी तक हम खेले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसमें सिर्फ तोहफा के कारण नहीं, क्योंकि इसमें जितने कोलैबोरेशन आए हुए हैं उसके कारण क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे अलग अलग IPs को एक साथ कम्पीट करते देख पाते हैं। मतलब कभी भी सोचे थे कि रियो और रॉक को हम लोग लड़ते हुए देखें, कभी भी सपने भी सोचे थे, क्योंकि हम तो नहीं सोचे थे कि रियो और हम लोग रॉक को आपस में लड़ते हुए देखेंगे, या फिर अंडरटेकर अकुमा को टूमस्टोन स्पाइडर और मार रहा है, हाँ, या फिर हम लोग जो ड्रीम मैच होते हैं जैसे हम लोग के, कि भाई क्या ही बोलेगा, हम लोग कियो को टेरी को लड़ते हुए देखते हैं, मतलब इतने सारे फ्रेंचाइजेस हैं यहाँ पे। बैटरी 5% है गाइस, एक मिनट को पावर बैंक कनेक्ट करते हैं। तुम वापस आ गए, तो देखो हम वही बोल रहे थे कि गेम को मारने का कुछ हमको नहीं लगता उतना भी और कोई रास्ता इन लोगों पास नहीं होगा, ठीक है, इन लोगों हो सकता है कि इन लोगों को नए आइडियाज़ नहीं आ रहे होंगे, पॉपुलर कैरेक्टर को कैसे इन लोग रिसिप्रोकेट करें, उन लोगों को कैसे नया बनाएं, और उसके चीज़ क्या हो जा रहा है कि इन लोग कोफास केव एरिना रखे हुए हैं, ठीक है, इन लोग सोलो लेवलिंग पे इतना खर्च कर रहे हैं, हमको पता है सोलो लेवलिंग अभी बहुत ज़्यादा हाइप में है, आगे कुछ सालों तक रहेगा, 3 से 4 साल, ठीक है, क्योंकि उसका एनिमे आते रहेगा, मांगा कब का ख़त्म हो चुका है, और सोलो लेवलिंग रैगन रॉक, हाँ वो शुरू होगा या फिर हो चुका होगा, उनको एग्जैक्टली पता नहीं है, मगर हाँ एनिमे सोलो लेवलिंग को काफ़ी दिन तक जिंदा रखेगा, मगर कोफास जो प्यार पाया है ना हमको सोलो लेवलिंग, वो लेवल का पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो स्केड्यूल दिया गया है इसके हिसाब से हम लोग का 30 अक्टूबर का आखिरी रहेगा, हम लोग अगर पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ एग्जैक्टली, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज विद ग्रेट रिग्रेट दैट आई हैव टू अनएक्सपेक्टेडली डिलीवर डिसअपॉइंटिंग न्यूज, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट कोफास विच हैज़ रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ मेनी कंटेंडर्स फॉर नियरली 6 ईयर्स, हाँ इस गेम को हम भी 2019 से ही खेल रहे हैं, विल एंड इट्स सर्विस एज ऑफ October 30th, 2024, तो 30 अक्टूबर के आखिर होने वाला है। अच्छा हमको एक बात बताओ, क्या हम लोग कुछ ऑनलाइन मूवमेंट चालू कर सकते हैं इस गेम को बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि गेम भाई क्यों चलता है, उनके प्लेयर्स के कारण ही, डेवलपर्स को अगर दिखाया जाए भाई गेम खेलने वाले लोग हैं, गेम अभी अर्न कर सकता है तो ये लोग कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए आप लोगों को भाई गेम में तो कुछ नहीं बचा, ये लोग कैसे बचाएंगे, नहीं बचाने का बहुत अच्छा तरीका है, हम लोग पास यहाँ पे देखो कुछ गेम मोड्स हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग ड्रीम मैच, चैम्पियनशिप और हम लोग का फ्रेंडली मैच, ठीक है, ये तीन जो गेम मोड्स हैं ना ये भाई हर कोई खेलते हैं, भले उनको नए कैरेक्टर मिले ना मिले, ठीक है, मगर ये तीन गेम मोड सभी कोई खेलना पसंद करते हैं, और ख़ास करके ये ड्रीम मैच, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का पावर क्रीप उतना एक्ट नहीं करता, आपका कैरेक्टर इतना, आपको आपके कैरेक्टर को लेकर खेलने में मज़ा आता है तो आप लोग उसको वहाँ पे लेकर खेलते हो, ठीक है, तो ड्रीम मैच और ये सही गेम मोड जो है जो हम लोग केएफ एरिना है उसके ऐसे, और जब इस गेम का सबसे बेहतर इसलिए रहेगा ना क्योंकि यहाँ पे हम लोग पास ऑलरेडी तो कितने सारे फाइटर्स हैं, मतलब फाइटर्स गिनती देखोगे, हाँ हम लोग के पास यहाँ पर केएफ 15 के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, पुराने अल्टीमेट कैरेक्टर्स बना के लाए जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग पास केओएफ के इतने सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो भी उनके अलग अलग वर्जन, ठीक है, उसके साथ ही हम लोग पास बॉस फाइटर्स जो ऑल स्टार्स हम लोग को ओरिजिनल कोफास के लिए जो नए फाइटर्स हैं वो हैं, टेकन 7 के कैरेक्टर्स हैं, फिर उसके हम लोग के स्ट्रीट फाइटर 6 और 5 दोनों के कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ हम लोग पास यहाँ पे ये कौन सा है भाई फाइनल शोडाउन नहीं, इसका नाम क्या है, हाँ वर्चुअल फाइटर, हाँ वर्चुअल फाइटर है, फिर यहाँ पे डोवा 6, गिल्टी गेयर, समुराई शोडाउन, सोल कैलिबर, 7 नाइट्स, 7 डेडली सिंस, जिंटामा, हाँ
इसी गेम पे एकदम जिंटामा देखने चालू किए थे, और हाँ भी बोल दे रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं जिंटामा इज द ग्रेटेस्ट एनिमे एवर मेड, हम इसके आगे पीछे नहीं सुनने वाले हैं, जो देखे हैं उनको पता है, ठीक है। WWE तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, आप लोग बस इमेजिन करो अगर हम लोग इन लोग सभी को लेके डेली कम्पीट करें, जैसे टेकन 7 तो उतना साल पुराना था, अभी भी लोग उसको खेल रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम लोग फ़ोन पे ऐसे इन सभी कैरेक्टर्स को लेके साथ में खेलें कितना अच्छा रहेगा। और अगर इनको अर्न ही करना है तो भाई कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स इंट्रोड्यूस करो, उनके लिए डेकोरेशंस इंट्रोड्यूस करो, जैसे पबजी, उसके बाद हम लोग का COD, जितने बैटल रॉयल गेम्स हैं वहाँ पर क्या कैरेक्टर्स तो सेम ही रह जाते हैं, हाँ, मगर फिर क्या होता है कि वो लोग एक सेकेंड वो लोग उन कैरेक्टर्स के इस्तेमाल उन कॉस्ट्यूम्स के लिए जो लोग पे करते हैं उससे अर्न करते हैं, तो कुछ ना कुछ तरीका होगा इस गेम को बचाने का, तो आप लोगों को कमेंट्स आइडिया दो, हम लोग एक मोमेंट ट्राई बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग इस गेम को कैसे बचाएं, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, शाम के स्ट्रीम में हम लोग कुछ और बातें भी कर लेंगे, तो आप लोग 8 बजे ज्वाइन करना हमको, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।